हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है फन एक्टिविटीज फॉर बोर्ड किड्स। अगर आपका बच्चा कहता है कि वो बोर हो रहा है तो उसे आप पांच चीजें पूछिए। फर्स्ट थिंग, हैव यू बीन क्रिएटिव टुडे? या सेकंड थिंग, हैव यू गॉन फॉर एनी आउटसाइड प्ले? थर्ड, हैव यू रेड अ बुक? फोर्थ, हैव यू एक्सरसाइज टुडे फॉर 20 मिनट्स? एंड फिफ्थ, हैव यू डन समथिंग हेल्पफुल? तो चलिए बोर्ड के बी से शुरुआत करते हैं। बी इज फॉर बीइंग क्रिएटिव। यस, आप अपने बच्चे से पूछिए कि आज आपने कुछ क्रिएटिव काम किया, हैव यू बीन क्रिएटिव? उनको अपने टॉयज बनाने दीजिए, कार्डबोर्ड से, बॉटल से, बॉक्सेस से, वॉट एवर इज देयर एट होम, लेट देम बी क्रिएटिव एंड मेक देयर ओन टॉयज एंड एंजॉय देम। नेक्स्ट बोर्ड में आता है ओ। ओ इज फॉर आउटसाइड प्ले। आप अपने बच्चे को बाहर जाकर खेलने के लिए मोटिवेट करें ताकि वो और एक्टिव, एनर्जेटिक और एंडलेसली प्ले कर सकें। बच्चों को फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए मोटिवेट करें, साथ ही साथ कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करें, जैसे कि स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या जिस तरीके का आउटडोर प्ले आपके बच्चे को पसंद है आप उसके लिए वो ऑर्गेनाइज कर दें। नेक्स्ट इन बोर्ड इज आर। R is for reading books. आप अपने बच्चों को books read करने के लिए motivate कीजिए। उनको बोलिए कि आप एक wish list बनाओ, उसमें से आप कुछ books उनको ला कर दीजिए ताकि वो उनके interest की book होगी and वो उसको read करेंगे। या तो कुछ ऐसे books ढूंढिए जिसमें crosswords हों, puzzles हों, sudokus हों, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को बहुत ही motivate करती हैं and ये सब करने के लिए आप उसकी help ज़रूर करें। नेक्स्ट इज ई फ्रॉम बोर्ड। ई का मतलब एक्सरसाइज। आप अपने बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कीजिए, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉक हो गया, या योगा हो गया, या साइकिलिंग हो गया, समथिंग एक्साइटिंग जो वो भी इंजॉय करे, प्लस उसको एक्टिव बनाने में और उसके हेल्थ को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। लास्ट इज डी। डी इज फॉर डूइंग समथिंग हेल्पफुल। बच्चों का किचन में अगर आप हेल्प लेते हैं तो दैट इज समथिंग रियली गुड फॉर देम ऑल्सो टू लर्न समथिंग, लाइक वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, प्लस इट्स ए गुड यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। लेट देम हेल्प यू इन गार्डनिंग, कटिंग वेजिटेबल्स, क्लीनिंग एंड मैनी मोर डिफरेंट एक्टिविटीज। द की इज टू मेक देयर वर्क इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग रादर देन मेकिंग देम फील बोर्ड। एंड लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल पेरेंट्स। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका बच्चा कहता है कि उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, तो डू ऑफर देम दैट, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर वो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा स्क्रीन टाइम ले भी लेता है तब भी वो एक्टिव प्ले के लिए इंस्पायर्ड रहेगा। एंड उसको कंप्यूटर या फोन की हैबिट इस तरीके से दिलाइए कि वो एक इन्वेंटर बने, ना कि एक कंज्यूमर बने, ताकि वो कुछ उसमें नया और ऐड कर सके, इससे भी वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।